तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर, जो आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उस सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ताबड़तोड़ डिस्कशन चल रहा है हमारा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू C++, यानी बेसिकली जो आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें बेसिक C++ की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है, तो आपको पढ़ना है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे C++ के हिस्ट्री को, हिस्ट्री क्या है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी दैट वॉज डेवलप्ड बाई द बैजिम बैरन स्ट्रक्चर इन ईयरली इन 1980s एट बेल लैबोरेटरीज। यानी जो आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, जिसको डेवलप किया गया जो आपके बैजन थे उनके स्ट्रक्चर के द्वारा, और 1980 में इसको डेवलप किया गया था, और जो बेल लैबोरेटरीज थी उसी के अंदर इसको डेवलप किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज भी बेल लैबोरेटरीज में इन्वेंट किया गया था, उसको डेवलप किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि C++ प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स दैट स्क्रब्स अप एंड द सी लैंग्वेज, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट प्रोवाइड कैपेबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, C++ लैंग्वेज आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैरी करता है, यही कारण है कि सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये चीजें थोड़ी सी बेहतर काम करती हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज दैट वी यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन एंड लाइकवाइज, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर यूज टू डू इट्स टास्क। कहने का मतलब ये है कि हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड में बात करता है, कंप्यूटर जो है वो 0-1 में बात करता है, और हम 0-1 की चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, 0-1 के फॉर्मेट में हम बात नहीं कर सकते। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर अस टू राइट द इंस्ट्रक्शन इन सम स्पेसिफिकली डिफाइंड लैंग्वेज लाइक C++ विच इज लाइक नेचुरल लैंग्वेज, एंड आफ्टर कन्वर्जिंग विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। यानी कहने का मतलब क्या है, यही कारण है कि ये काफी स्पेशल होता है और इसको डिफाइन किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंपाइलर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी होता है। अब यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंट लैंग्वेज फीचर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड करेक्ट एंड मॉडिफाई। यानी क्या मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो काफी ईजी है और उसको समझना काफी आसान है, और करेक्ट वे भी है और उसको मॉडिफाई करना भी आसान रहता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मेनी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड इंक्लूडिंग द मोस्ट और नोटेबली एंड स्मॉल टॉक। यानी बहुत से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके पास क्या होते हैं डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग मोस्ट नोटेबली और स्मॉल टॉक की जो चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं होती। एंड बेस्ट फीचर्स ऑफ C++ क्या है, C++ का बेस्ट फीचर्स क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि C++ इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म इन आइदर अ सी लाइक स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और बोथ। यानी कहने का मतलब क्या है, जो C++ लैंग्वेज है वो सी के स्टाइल को तो कैरी करता ही करता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी कैरी करता है, यही एक फीचर इसका बहुत ही बेहतरीन होता है। अगला है C++ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ पीसेज कॉल्ड क्लास एंड फंक्शन। यानी जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसको कंसिस्ट करता है, दो चीजों को कंसिस्ट करता है, पहला होता है क्लास, दूसरा होता है फंक्शन। एंड यू कैन परफॉर्म ईच पीस यू मे नीड टू फॉर्म अ C++ का प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब कि आपको जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सफिशियंटली यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे एडवांटेज कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग योर ओन फंक्शंस एंड क्लास इट इज दैट यू विल नो एग्जैक्टली हाउ दे वर्क। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एडवांटेज आप करेंगे क्रिएट करने के लिए आप अपने खुद के फंक्शंस को और क्लासेस को, तो इसमें जरूरी ये है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं वो उसके अंदर आती हैं, एंड यू विल बी एबल टू एग्जामिन द C++ कोड। और आप क्या कर सकते हैं C++ कोड के को एग्जामिन, यानी कहने का मतलब क्या है, उसको चेक भी कर सकते हैं। अब कुछ एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन जहां जहां C++ लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं, इसमें सबसे पहला आपका है फॉर डेस्कटॉप ग्राफिकल रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक अ कंप्यूटर एंड अ मोबाइल गेम्स। यानी अगर आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ग्राफिकल इंटरफेस के लिए डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू इवेलुएट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन यूजेस C++ लैंग्वेज। यानी कोई भी टाइप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हमें इवेलुएट करना है तो उस कंडीशन में हम इसका किसका यूज करते हैं C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज फॉर डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एक्सपी, यानी ये विंडोज सिस्टम को डेवलप करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड गूगल ऑल्सो यूजेस सी फॉर प्लस प्लस फॉर इंडेक्सिंग, यानी गूगल जो है वो इंडेक्सिंग प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्यू पार्ट्स ऑफ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स आर रिटन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो कुछ एप्पल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके कुछ पार्ट्स को डेवलप करने के लिए भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स इज रिटन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इंटरनेट ब्राउजर जो फायरफॉक्स है वो कंप्लीटली क्या किया गया है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही लिखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एडोब सिस्टम्स आर डेवलप्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोटोशॉप, इमेज रेडी, इलस्ट्रेटर एंड एडोब प्राइमर, यानी ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही लिखे गए हैं। अगला आपका आता है सम ऑफ द गूगल एप्लीकेशंस आर आल्सो रिटन इन सी प्लस प्लस इंक्लूडिंग गूगल फाइल सिस्टम एंड गूगल क्रोमियम, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से ही लिखी जाती हैं। एंड सी प्लस प्लस इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस लाइक MySQL, यानी MySQL को डिजाइन करने के लिए भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का वेटेज कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा इसका स्कोप है और कहां कहां इसका यूज है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो सीरीज के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगले सीरीज के अंदर हम लोग कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कंपाइलर क्या होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।